जो जुवेनाइल हैं उनकी तरफ से एक जमानत अर्जी लगाई गई थी कि उनको जमानत दी जाए, वो जमानत अर्जी आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने रिजेक्ट कर दी है, डिसमिस कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि जुवेनाइल को कोई जमानत नहीं मिल सकती। साथ में आज दो घंटे ढाई घंटे के आर्गुमेंट्स हुए इस आधार पर भी कि जो जुवेनाइल हैं उनको एडल्ट ट्रीट किया जाए या नहीं किया जाए। इस संबंध में जो सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की जो रिपोर्ट थी जो बंद लिफाफे में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश की गई थी, उसको आज खोला गया और सारी पार्टीज़ को उसको देखने और उस पर आर्ग्यूमेंट्स करने का मौका दिया गया। और सारे पार्टीज़ ने, डिफेंस काउंसिल ने, प्रोसिक्यूशन ने और कंप्लेनेंट काउंसिल ने अपनी बातें उन आधारों पर, उन साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल बेस पर किया। और उन आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ये फैसला सुरक्षित आज किया है कि वो एडल्ट ट्रीट होंगे या जुवेनाइल ही रहेंगे। ये फैसला 20 तारीख को सुबह 10:30 बजे बोर्ड अनाउंस करेगी। कोर्ट ने सारे आर्ग्यूमेंट्स को आज सुना और ये फैसला सुरक्षित किया है। जहाँ तक रिपोर्ट्स की बात है, वो रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियल इन नेचर हैं। उन रिपोर्ट्स को एक गोपनीयता के दृष्टिकोण से सारे स्टेक होल्डर्स को और काउंसिल्स को दिखाया गया है। वो रिपोर्ट्स बड़ी गोपनीय है और बड़ी कॉन्फिडेंशियल है। उन रिपोर्ट्स को पब्लिक डोमेन में इस समय लाना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि इट रिलेट्स टू द बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ए जुवेनाइल। देयरफॉर आई कैनॉट कमेंट एनीथिंग ऑन द कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट, बट यस, वी हैव सीन द रिपोर्ट, वी हैव डिस्कस्ड द रिपोर्ट, वी हैव प्लेस्ड आवर सबमिशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द रिपोर्ट। और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं वो सीधे तौर पर संकेत करते हैं और इंडिकेट करते हैं कि जो जुवेनाइल है उसको एडल्ट के रूप में ट्रीट किया जाए और इस मैटर को, इस केस को चाइल्ड सेशंस कोर्ट में भेजा जाए। तो 20 तारीख को इस पर फैसला आएगा। माने कि वो सामान्य लड़का नहीं है, क्या ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, ये इंडिकेशन तो है रिपोर्ट्स में कि वो एक सामान्य जुवेनाइल नहीं है और कहीं ना कहीं वो सफिशियंटली, रिपोर्ट्स की कंक्लूजन सफिशियंट इनफ है इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, जिसको हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स का आधार बनाया था कि उनको जुवेनाइल इन कंटेंट्स के आधार पर, जो कंटेंट्स मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उन कंटेंट्स के आधार पर ये सफिशियंटली इंडिकेट होता है कि ये जुवेनाइल नहीं होना चाहिए और उनको एडल्ट के रूप में ट्राई किया जाना चाहिए और इस केस को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से ट्रांसफ़र करके चाइल्ड सेशंस कोर्ट में भेजा जाना चाहिए। माननीय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सोशियोलॉजिकल सोशल कमेटी बनाई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। एक डॉक्टर उन्होंने रोहतक के पीजी मेडिकल कॉलेज हैं, उनके एक साइकेट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। दोनों रिपोर्ट बंद लिफाफे में बोर्ड के सामने सबमिट की गई थी। वी आर होपफुल एंड वी आर श्योर दैट द ऑनरेबल बोर्ड वुड बी डिसाइडिंग इन आवर फेवर एंड वुड बी पासिंग एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग दिस जुवेनाइल as an accused to be treated as an adult, and we are also hopeful that justice will be delivered by sending this matter of juvenile to be tried as an adult before the child sessions court instead of to be tried and being retained before the juvenile justice board. Thank you, sir.